हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आयंस का कॉन्सेप्ट। बहुत से बच्चों का दिमाग हिल जाता है जब ये सोचते हैं कैटायंस क्या है, कैथोड पे कौन सा चार्ज आ रहा है, एनोड पे कैसा चार्ज आ रहा है, अनायंस किसे बोलते हैं। ये चार टर्म्स ना थोड़ा सा कन्फ्यूज करती रहती हैं बच्चों को, तो इन चारों टर्म्स को आज हम पूरा क्लियर करेंगे और दिमाग में कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि कैथोड क्या है, एनोड क्या है, कैटायंस क्या है, अनायंस क्या है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आयंस से। किससे स्टार्ट करेंगे? आयंस से। देखो, अब अगर मैं वर्ड बोलता हूं आयंस, क्या बोलता हूं? आयंस। आयंस कब बोला जाता है? फॉर एग्जांपल सोडियम लिया मैंने, Na। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1। हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्यों लूज करेगा? ताकि ये क्या हो सके? स्टेबल हो सके। और लूज कैसे करेगा? यहां पर मैं दूसरा एलिमेंट ले लेता हूं, कौन सा? क्लोरीन, Cl। मैंने क्या ले लिया? क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ठीक है? ये भी क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ये करने के चक्कर में लोग क्या करेंगे? ये लोग बनाएंगे बॉन्ड। क्या बनाएंगे ये लोग? बॉन्ड। क्या बनाएंगे? बॉन्ड। और इसमें क्या हो रहा है? अल्टीमेटली क्या हो रहा है भैया? इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। यहां से कहां जा रहा है? क्लोरीन में जा रहा है। तो ये क्या बना देगा? Na प्लस। क्या बनाएगा? Na प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। और वो क्या बना देगा? Cl माइनस। क्या बना देगा? Cl माइनस। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? NaCl। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? NaCl। क्यों बनाया NaCl? क्योंकि ये दोनों क्या चाहते थे? अपने आप को स्टेबल रखना। अब सर, इससे आयंस का क्या लेना देना? ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किया ना इसने, इसी को तो बोलेंगे हम आयंस का एक्सचेंज हुआ है। क्या हुआ? आयंस का एक्सचेंज। और Na पे कौन सा चार्ज आ गया? सर, Na पे आ गया प्लस चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कितना चार्ज? एक प्लस चार्ज। फॉर एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने मैग्नीशियम ले लिया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12, 2, 8, 2। अब मैग्नीशियम को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे? सर, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। किसके लिए? स्टेबिलिटी बनाने के लिए। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा भाई? देखो, जिसके पास पहले से कुछ है, जिसके पास पहले से ज्यादा पैसा है, वो दे भी देगा तो हमेशा किसमें रहेगा? प्लस में ही रहेगा। और जिसके पास पैसा है ही नहीं, वो किसमें जाएगा? हमेशा माइनस में। कर्ज लेगा तो भी क्या जाएगा? माइनस में। सेम कंडीशन यहां पर है। Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर ये लूज कर देगा तो क्या कर लेगा? स्टेबल बन जाएगा, अपने आप को स्टेबल कर लेगा। अब ये लूज करके स्टेबल होगा तो चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस। जिसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा वो सब क्या कहलाएंगे? ध्यान रखना, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? कटायन। क्या बोलेंगे? कटायन। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कटायन। इसका मतलब सर, हम ये बात बोल सकते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं? एज अ कटायन। बिल्कुल करते हैं बिहेव। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लेते हैं। एल्यूमिनियम के लिए क्या है? एटॉमिक नंबर 13। एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। चार्ज क्या आ जाएगा? सर, एल्यूमिनियम पे 3+ का चार्ज आ जाएगा। किसका आ जाएगा? 3+ का चार्ज। ऐसा कोई सा भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो सारे क्या कहलाएंगे? कटायंस। लूज करके क्या आ जाएगा? इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक चार्ज। उसको हम क्या बोलेंगे? कटायन। क्या बोलेंगे? कटायन। फिर इसको एलिमेंट नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? आयन। अब ये क्या हो गया? एल्यूमिनियम का आयन। ये भी क्या हो गया? मैग्नीशियम का आयन। और कौन सा आयन? सर, ये कहलाएगा कटायन। क्या कहलाएगा? कटायन। और एग्जांपल देख लेते हैं, कोई तुम भी बताओ थोड़े से एग्जांपल। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हो गया, और कौन सा है? क्लोरीन तो दूसरे फॉर्म में आएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम देख लेते हैं, लिथियम है। एटॉमिक नंबर कितना? 3, 2, 1। एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए लिथियम पे क्या चार्ज आता है? सर, Li प्लस। ये क्या है? एक आयन है। आयन का कौन सा फॉर्म है? सर, कटायन वाला फॉर्म। आयन का कौन सा फॉर्म है? कटायन वाला फॉर्म। आयन का कौन सा फॉर्म है? कटायन वाला फॉर्म। इसके बाद देख लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम। एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 2। कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? Be2+। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं? एज अ कटायन। कैसे बिहेव कर रहे हैं? एज अ कटायन। अब बात करते हैं किसकी? अनायन की। किसकी बात करते हैं? अनायन की। देखो, अनायन क्या है? अनायन
अनायन मिलनी क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट्स होते हैं. क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट्स होते हैं. अब नेगेटिव चार्ज कब होगा इन पे? जब ये कोई इलेक्ट्रॉन लेंगे, जब ये कोई इलेक्ट्रॉन लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्लोरीन. एटॉमिक नंबर कितना? 17. एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.8.7. ये हो गई. अब इसे क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. इसे क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा सर? Cl माइनस. एक इलेक्ट्रॉन आते क्या आ जाएगा? Cl माइनस. और इसका नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2.8.8. क्या हो जाएगा? 2.8.8. बात समझ में? इसको हम क्या बोलेंगे? अनायन. क्या बोलेंगे इसको हम? अनायन. ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं हम ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? ऑक्सीजन का होता है 8. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.6. अगर इसे दो इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो स्टेबल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर. तो मैं क्या करूंगा? ओ के ऊपर 2-. ओ के ऊपर क्या लूंगा? 2-. नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी? 2.8. ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगी जब कोई कैटायन और एनायन में चेंज होगा. सिंपल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी अब इसकी? स्टेबल. अगर यहीं पर मैं कैटायन का भी एक एग्जांपल लेकर चलूं, दोनों को देखो एक साथ समझाता हूं मैं आपको. एक तरफ लिख देते हैं कैटायन को और एक तरफ लिख देते हैं एनायन को. यह सोडियम था, यहां पर आ गया सोडियम. एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.8.1. ठीक है. जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या हो जाएगा? Na प्लस. क्या हो जाएगा? Na प्लस. अब चार्ज क्या आ गया? प्लस का. तो 2.8. इसकी नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2.8. इस बात को भी ध्यान रखना है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई क्योंकि अब यह क्या बन गया? स्टेबल एलिमेंट बन गया. क्या बन गया? स्टेबल एलिमेंट. वैसे ही एनायन की बात करेंगे. मैंने एग्जाम्पल लिया एनायन में, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं. सल्फर लेते हैं. सल्फर एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.8.6. अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए और ताकि ये स्टेबल हो सके? सर, दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो स्टेबल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. तो एस के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? 2-. क्या आ जाएगा? 2-. और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी सर? 2.8.8. ये हो गया इसकी क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ये था सिंपल कैटायन और एनायन. सिंपल क्या था? कैटायन और एनायन. अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 1+ चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 2+ चार्ज, अगर तीन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 3+ चार्ज. वहीं अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है एनायन को ही, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 1- चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2- चार्ज. ठीक है. तो इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं? कैटायन क्या है और एनायन क्या है. अब कंफ्यूजन कहां आती है सर? कैथोड और एनोड में और कैटायन और एनायन एक जैसे लगते हैं वर्ड्स. देखो समझना इस बात को मेरी. कैथोड को ये अगर मैं बात करूं तो कैथोड हमेशा होगा हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड. कैथोड कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड है ये. वहीं पर एनोड क्या होगा? हमारा पॉजिटिवली चार्ज. देखो दोनों का उल्टा है साहब. कैटायन पॉजिटिव एलिमेंट, एनोड क्या है? पॉजिटिव रॉड. एनायन नेगेटिव एलिमेंट, कैथोड क्या है? नेगेटिवली चार्ज रॉड. अगर हम देखें इसका डायग्राम भी, इसको दूसरे से बना लेते हैं. जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है इसको मैं क्या नाम दूंगा? एनोड. क्या नाम दूंगा? एनोड. जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, जो नेगेटिवली चार्ज्ड है इसको हम क्या नाम देंगे? कैथोड. ध्यान रखना, इसको हम क्या नाम देंगे? कैथोड. वहीं पर कैटायन क्या थे? जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स बनाए. क्या बनाए? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. एनायंस क्या थे? जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. बात समझ में? जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो कैटायन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनायंस. ठीक है. अब यहां पर कैथोड क्या हो गया सर? कैथोड हो गया नेगेटिवली चार्ज डॉट. एनोड क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज डॉट. कहने का मतलब अगर इसमें मैंने कोई सॉल्यूशन डाला, फॉर एग्जांपल कॉपर का सॉल्यूशन डाला. किसका डाला? कॉपर का सॉल्यूशन. तो कॉपर पे क्या चार्ज होता है सर? 2+.
तो कॉपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाकर चिपकेगा है? सर नेगेटिवली चार्ज वाली रॉड पे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये किस पे जाकर चिपकेगा? सर नेगेटिव चार्ज वाली रॉड पे। बात समझ में आई? वैसे ही अगर मैं किसकी बात करता, क्लोरीन की बात करता, क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होता है? माइनस। ये किस पे जाकर चिपकेगा? सर ये एनोड पे जाकर चिपकेगा। क्यों? क्योंकि ये खुद क्या है? नेगेटिवली चार्ज, और एनोड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। बात खत्म। तो ये था डिफरेंस कैथोड, एनोड, अनायंस और अनायंस और कटायंस पे। आयंस क्या होते हैं? जब कोई एलिमेंट, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो किसके फॉर्म में आ गया? आयन की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करता तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उसका चार्ज क्या होता है? जीरो, न्यूट्रल बोल सकते हैं उसको हम। ठीक है, तो ये था मेरा मुश्किल से 10 मिनट का कॉन्सेप्ट। होप करता हूं आप लोगों को बहुत पसंद आया हो। वीडियो को जरूर देखना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। चैनल पसंद आया तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।